हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका एक बार फिर से मॉडर्न विलेज लाइफ में। तो आज बनाते हैं चिकन पुलाव कुछ नए तरीके से। इसके लिए एक खुले पॉट में सरसों का तेल लिया है, एक बड़े प्याज को रफली चॉप करके डाला है, हाफ कुक करेंगे यानी लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। और अब ऐड करते हैं मसाला, जिसमें है लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, प्याज और गरम मसाला, जिसे मिक्सी के जार में पानी के साथ पीसा है। थोड़ा पानी भी ऐड किया है और अब मसाले की अच्छे से भुनाई करनी है। और अब ऐड करेंगे सफ़ेद काली मिर्च, धनिया, हल्दी और जीरा पाउडर। आप काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर, तेज पत्ता, साथ ही स्वाद अनुसार नमक। और अब मसाले की अच्छी सी भुनाई करनी है मीडियम फ्लेम में चलाते हुए। मसाला काफ़ी हद तक भुन चुका है, ऐड करते हैं थोड़ा पानी, फिर से भुनेंगे। और अब ऐड करते हैं चिकन जो 750 ग्राम है, साथ में 4 आलू दो टुकड़ों में कटा हुआ। चिकन और आलू को भूनते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अब चिकन को ट्रांसफ़र कर लेते हैं दूसरे बर्तन में और पॉट को वापस रख देते हैं गैस में। थोड़ा पानी डालते हैं चावलों को पकाने के लिए, ढक देते हैं उबाल आने के लिए। तो उबाल आ चुका है। दूसरी तरफ एक छोटे फ्राई पैन में देसी घी लिया है, इसमें ऐड करेंगे शाजीरा, साथ में सभी तरह का खड़ा गरम मसाला। साथ ही ऐड करेंगे एक मीडियम साइज का प्याज, फाइन चॉप किया हुआ। इसे मीडियम फ्लेम में चलाते हुए गोल्डन ब्राउन करना है, और जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसे पानी वाले पॉट में डाल देना है। और अब ऐड करेंगे चावल, जिसे 1 घंटा पहले ही धो करके रखा था। ये बासमती चावल है, बिल्कुल छोटा दाना। इसे गोविंद भोग चावल कहा जाता है, बेहतरीन खुशबू होती है। 700 ग्राम चावल भी है, हिला लेते हैं। और अब ऐड करते हैं नमक, साथ ही पुदीना पत्ती, धनिया पत्ती, हरी मिर्च और टमाटर कटा हुआ मिला लिया है, ढक दिया है। मीडियम फ्लेम में 6 मिनट पकाया है, खोल करके चेक कर लेते हैं। अभी भी पानी है और चावल लगभग 50% पक चुका है। तो इसमें ऐड करते हैं 2 टेबल स्पून दही, पानी में फेंट लिया है, और साथ में 1 टेबल स्पून घी। आप अपने हिसाब से घी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिला देते हैं और अब ऐड करते हैं चिकन और आलू को। थोड़ा सा पानी भी डाल देते हैं। अब सभी चिकन और आलू को चावल के अंदर चम्मच की सहायता से दबा देते हैं, ढक करके छोड़ दिया है 10 मिनट के लिए मीडियम और मीडियम टू लो फ्लेम में। जब 10 मिनट हो जाए तो गैस को बंद कर देना है, 5 मिनट तक ढका हुआ रहने देना है, फिर खोलना है। तो चलिए अब सर्व करके आपको दिखाते हैं, काफ़ी मज़ेदार बना था। ट्राई कीजिए, बहुत ही आसानी से बन जाने वाला और बहुत ही टेस्टी। इसे हमने रायता और सलाद के साथ सर्व किया है। चावल बिल्कुल खिला खिला है और चिकन बिल्कुल अच्छे तरीके से पका हुआ था। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। इंजॉय की